को वहीं पर थामने की कोशिश है, मगर आग ऊपर भी अभी छठे माले पर भड़की हुई है, क्योंकि जहां जहां फिर वो नीचे फ्लोर पर जो आग बुझ चुकी थी उसने फिर विकराल रूप ले लिया। फिर से जहां हवा तेज हो जाती है आग फिर भड़क जाती है, क्योंकि पानी की कमी है। सबसे बड़ी जो बात यह है कि भोपाल झीलों का शहर है, मगर यहां पर फायर ब्रिगेड के पास पानी पर्याप्त नहीं है। ये खाली खड़े हुए हैं दमकल कर्मी, एसडीआरएफ की टीम भी खाली खड़ी है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये पानी के पाइप ये खाली है, आग लगी है मगर हाँ पानी पीना है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो तमाम लोग परेशान हो चुके हैं, पानी यहाँ पर कमी है। दमकल कर्मी ये खाली पाइपों के सहारे ही खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब पानी मिलेगा ये इन फायर ब्रिगेड के जरिए तो ही आग को बुझाया जाएगा। आग ऊपर भड़की हुई है और लगातार कंट्रोल करने के लिए लोग दमकल कर्मी मेहनत कर रहे हैं। सर कितना वक्त लग सकता है आपको बुझाने में? अभी देख रहे हैं सर, जैसे ही होता है तो आपको बता रहे हैं आग भड़क रही है। हाँ, दोबारा से रीइग्नाइट हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। हाँ, पानी टेंडर मंगाए हैं। हाँ, वो अभी फायर टेंडर में भर रहा है। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा सर। बस तो हम अगर बात करें तो लगातार ये फायर कर्मी जवाज फायर कर्मी लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, और मगर आग है कि फिर से देखिए बढ़ती जा रही है। हर जगह धुआं धुआं, पूरे शहर में धुआं धुआं हो चुका है। लगातार लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर काय का डिपार्टमेंट है? ये स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की विकास योजना है, और ऊपर उसके हेल्थ विभाग का है और उसके ऊपर भी हेल्थ का है। अच्छा, ये नीचे टीएलडीपी है, क्षेत्र लोग बैठते थे, ये फाइलें रखी रहती थी। हाँ, वो कार्यालय में को सभी पूरा का काट रहता है। अच्छा, हाँ, तो रिकॉर्ड पूरा जल गया। अब वो तो एकदम सामने दिख रहा है, आदिवासी विभाग का भी था, स्वास्थ्य का भी था। हाँ, आदिवासी विभाग में ही वो आका है, क्षेत्रीय विकास कार्यालय। वो आका गुबार तैयार हो चुका है, फाइलें फिर से जल रही हैं। इधर हालांकि गनीमत है कि इधर रोकने के लिए लगातार फायर टेंडर काम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं नाकामी यहाँ पर नजर आ रही है नगर निगम की, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई एक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रहे हैं, गिने चुने लोग आपको नजर आ रहे होंगे, मगर यहाँ पर एक बड़ा हमला होना चाहिए, क्योंकि बड़ा नगर निगम पर बजट होता है हर बार हर साल फायर टेंडर के लिए, मगर यहाँ पर अलग ही विभाग अलग है, तो मगर मदद तो सबको करना चाहिए, मिलकर सारी टीम को एकजुट होना चाहिए। यहाँ पर धुआं इतना ज्यादा है कि हम यहाँ पर विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है। अगर बात करें तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि काला धुआं, जहरीला धुआं पूरे वातावरण में फैल चुका है। लोग यहाँ पर खड़े हैं नीचे और पूरा शहर इस धुएं की चादर में लपेट चुका है। हर जगह ये जहरीला धुआं बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ राहत इस आग से जरूर मिली है, क्योंकि पानी भी थम गया है। ये फायर टेंडर की गाड़ियां खड़ी हैं, लगातार पानी बुलाया जा रहा है, और पूरे शहर में ये धुआं धुआं हो चुका है। अगर बात करें तो यहाँ से ये अब ये फाइलों के अंबार लगे हैं, आपको दिख रहे होंगे, यहाँ भी आग भड़क रहा शुरू हो चुकी है, धुआं ऐसे निकल रहा है पूरे। आप देखिए कितना बड़ा धुआं यहाँ पर फैलता हुआ जा रहा है। इसी का डर है कि अगले फ्लोर पर आग ना बढ़े, मगर पानी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है पानी की वजह से। अब ये फिर से इधर पानी पहुंचा है, ये आग को फिर बुझाने के लिए इनकी मेहनत लगातार शुरू हुई है। फिर से ये तो लोग तैयारी कर रहे हैं फिर से आग। हम बात कर सर, आपसे बात करते हैं, कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर? ऑलमोस्ट एक घंटा तो लगेगा जी। सर आपका परिचय? मैं कमल नागर हूँ, एडिशनल कलेक्टर हूँ जी। जी तो सर कमी लग रही है कुछ अपने फायर एसडीआरएफ की टीम में मौके पे, बाकी दमकल कर्मी भी होना चाहिए? देखिए यहाँ पर नगर निगम के लोग हैं, ठीक है, और एसडीआरएफ के लोग, ठीक है, साथ साथ पुलिस का हमला भी है, ठीक है, तीन तीन बेसिकली विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं जी। और जो आप देख रहे हैं कि थर्ड फ्लोर से स्टार्ट होता है ट्राइबल का ऑफिस है, फिर फोर्थ फिफ्थ, पानी की कहीं ना कहीं कमी जरूर लग रही है। हाँ, पानी कमी तो लग रही है, इवेंचुअली बहुत ज्यादा मात्रा में ये हवा जो चल रही है आग और बढ़ती जा रही है। हाँ, बेसिकली जैसे ऑक्सीजन मिलते जाएगा तो आग तो बढ़ती जाएगी, बट पानी हमला पूरा प्रयास कर रहा है कि जितने जितना लग सकता है आपके साथ मौजूद है। मिनिमम एक से डेढ़ घंटा, एक से डेढ़ घंटे का वक्त बता रहे हैं, लगातार सारे लोग लगे हुए हैं, मगर अब देखते हैं जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती है फिर से आग भड़क जाती है। आग कुछ देर थमी थी मगर फिर से हवा चली और पानी की कमी, ये दो चीजों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। अगर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फायर टेंडर में पानी हो तो ये आग को बुझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर बात करें तो फिर से देखिए ये अब कांच फोड़ने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। और बात करते हैं यहाँ पर कांच फोड़ने के लिए पत्थर हमने भी चलाए, हम भी चाह रहे थे कि यहाँ से ठीक है मैं जितेंद्र मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप बात करिएगा वहां पर जो